जब भी दुनिया भर के आर्मीज के व्हीकल्स की बात होती है तो टैंक्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड व्हीकल और ऐसे ही अलग अलग फ्रंटलाइन अटैक व्हीकल्स दिमाग में आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर आर्मीज के पास ट्रक्स ना हो तो ये सारी की सारी मशीनरीज ऑपरेट ही ना कर पाए। और ये बात खासकर भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हद से ज्यादा खतरनाक टेरेन्स हैं और हमारे फौजियों को हमारी रक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों तक पहुँचना होता है जहाँ तक अभी रोड्स भी नहीं पहुँची हैं। और इसीलिए जितना भरोसा हम अपनी फौज पर करते हैं उतना ही भरोसा हमारी फौज भी अपनी गाड़ियों पर करती है, और खासकर इन ट्रक्स पर जिन्हें स्टैलियन बोला जाता है। और फिर चाहे सियाचिन की हड्डियां गला देने वाली ठंड हो या लद्दाख के पथरीले रास्ते, नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल हो या राजस्थान के तपते रेगिस्तान, आज देश के हर कोने में 77,000 से ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं। फिर चाहे राशन और दवाइयों को लेकर जाने की बात हो, वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, रेडार और आर्टिलरी और हजारों किलो की मिसाइल्स ले आने की ही बात क्यों ना हो, ये ट्रक्स बिना रुके थके पिछले 25 सालों से हमारे देश के जवानों की मदद करते आ रहे हैं। और ये वही स्टैलियन ट्रक्स हैं जिन्होंने शक्तिमान ट्रक्स के साथ मिलकर अगर कारगिल की लड़ाई में दवाइयां और राशन टाइम से ना पहुंचाया होता तो हमारे कई और जवानों को बलिदान देना पड़ता। और अगर हम आज की बात भी करें तो डोकलाम हो, गलवान हो या अरुणाचल प्रदेश, जब भी हमारे देश के जवानों को खतरनाक टेरेन्स पर दुश्मनों के साथ फेस ऑफ करना होता है तब इन्हीं ट्रक्स की मदद से ट्रूप्स को फॉरवर्ड बेसिस पर भेजा जाता है। और इसीलिए ये ट्रक आर्मी के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। और इसीलिए आज हम इस वीडियो को इस ट्रक के ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम इसकी ओरिजिन से लेकर इसकी कैपेबिलिटीज तक और स्टैलियन फैमिली के हर एक सदस्य के बारे में ढंग से जानेंगे। नाउ बिफोर जंपिंग ऑन स्टैलियन ट्रक्स, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आज इतने ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी दुनिया भर की सभी मिलिट्रीज इन ट्रक्स पर इतना ज्यादा रिलाई क्यों करती हैं? सी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो इनको खरीदने की कॉस्ट काफी कम होती है और ऊपर से इनको ऑपरेट करने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होती है। और आज जब आपको कार्गो और ट्रूप्स को भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हेलीकॉप्टर्स की जगह ट्रक्स को चूज किया जाता है, क्योंकि एक तो हेलीकॉप्टर से ज्यादा लोगों को एक साथ लेके जाया नहीं जा सकता है, और जिन बड़े हेलीकॉप्टर से ऐसा किया जा सकता है उनके लिए प्रॉपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और यही कारण है कि हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की बजाय आज भी ज्यादातर देश इन ट्रक्स को यूज करते हैं। और ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, भारत जब आजाद हुआ था तब हमारे पास ट्रक्स के अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं वैसे भी, क्योंकि तब हमारे पास ब्रिटिश आर्मी के कुछ लेलैंड हिप्पो ट्रक्स थे, और ये जो लेलैंड हिप्पो ट्रक था ये इतना कैपेबल ही नहीं था कि ये एक्सट्रीम चढ़ाइयों पर चढ़ सके। और इसीलिए यहाँ पर एंट्री होती है शक्तिमान ट्रक की। हाँ, नाम से ये ट्रक इंडियन लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली जर्मनी का मैन 415 ट्रक था जिसके प्रोडक्शन राइट इंडियन आर्मी के पास थे। शक्तिमान ट्रक को 1959 के अंदर इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। शक्तिमान एक मीडियम साइज 4x4 ट्रक था जिसको इनिशियली ट्रूप्स को मूव करने और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए इंडक्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसको कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर लॉन्च किया गया, जैसे कि 4x4 एंड 4x2 हार्ड टॉप एंड सॉफ्ट टॉप वेरिएंट्स, 4000 लीटर के फ्यूल टैंक या वाटर वाले ट्रक्स, आर्टिलरी ट्रक्स एंड थिएटर कम्युनिकेशन एंड सेंसर सिस्टम के लिए शेल्टर बॉडीज को कैरी करने के लिए गाड़ियां। और इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस को 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 की इंडो पाक वॉर और 71 की इंडो पाक वॉर में आर्मीज ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। और 90 का दशक आते आते तो इन ट्रक्स की इंडियन आर्मी के अंदर 75,000 से ज़्यादा यूनिट्स ऑपरेट कर रही थी, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट? खैर, कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन दिन सबके पूरे होते हैं। ये ट्रक भी अब पुराने होने लगे थे और अब आर्मी को मोर एडवांस, मोर कैपेबल, मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रक्स चाहिए थे, और इसीलिए इस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड ने 1987 में लॉन्च हुए अपने कमर्शियल कार्गो ट्रक के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे और इसे आर्मी के लिए सूटेबल बनाया, और फिर 1994 में आर्मी को हैंडओवर कर दिया ताकि वो अपने टेस्ट कंडक्ट कर सके। एंड देन आर्मी ने इसको हाई एल्टीट्यूड, डेजर्ट एंड क्रॉस कंट्री टेरेन्स में टेस्ट किया, और स्टैलियन ने हर जगह कमाल का परफॉर्म किया। और इस ट्रक की कमाल की परफॉर्मेंस देखते हुए 10th ऑफ अगस्त 1998 को अशोक लेलैंड ने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को स्टैलियन मार्क 3 की प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और यहां पर फोर्सेस के लिए डिफेंस व्हीकल्स बनाए जाते हैं। खैर, इसके बाद धीरे धीरे स्टैलियन ट्रक ने शक्तिमान ट्रक की जगह लेनी शुरू कर दी। शक्तिमान एक मीडियम कैपेसिटी ट्रक था जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और स्टैलियन इस रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाने लगा था। और ऐसा करने के लिए स्टैलियन में जापानीज कंपनी हाइनो का डीजल इंजन यूज किया गया था, जो कि टोयोटा ग्रुप की एक कंपनी है और वर्ल्ड वाइड अपने रिलायबल डीजल इंजन के लिए जानी जाती है। और एक रिलायबल इंजन की जरूरत आर्मी से ज्यादा किसको होगी, राइट? और इसीलिए स्टैलियन के अंदर हाइनो का 5.7 लीटर का W06 DTI टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया था, जो कि 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 495 Nm का टॉर्क जनरेट करता था।
लेकिन बाद के मॉडल्स के अंदर ये टॉर्क काफी ज्यादा बढ़ गया था और 800 Nm तक पहुंच गया था। स्टैलियन एक 4x4 ट्रक है, इसीलिए इसमें 2-speed ऑक्सिलरी गियरबॉक्स दिया गया था और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 305 mm थी। अब हो सकता है इतने बड़े ट्रक के हिसाब से और इस गैप को देखने के बाद हम ये सोचें यार 305 mm तो काफ़ी कम है इतने बड़े ट्रक के लिए, क्योंकि 305 mm रफली 1 feet ही होता है। ये ग्राउंड क्लियरेंस इसीलिए इतनी कम लग सकती है हमें क्योंकि ये जो एक्सेल होते हैं ना टायर्स के बीच में, वो सबसे लोएस्ट हैंगिंग पॉइंट है और इस ट्रक के अंदर पोर्टल एक्सेल्स नहीं आते हैं जैसे हम वी के अंदर आते हैं जो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के अंदर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम हो जाती है एट इट्स लोएस्ट हैंगिंग पॉइंट। खैर आगे बढ़ते हैं। इनिशियली स्टैलियन ट्रक को 5 टन 4x4 हाई ग्राउंड क्लियरेंस ट्रक के रूप में इंडक्ट किया गया था, लेकिन इसके कई मॉडल्स ऐसे निकाले गए थे जो 7.5 टन तक का वेट कैरी कर सकते थे, जबकि इसका खुद का वजन 7.4 टन ही था। एंड इट मींस कि स्टैलियन अपने वेट से भी ज्यादा वजन कैरी कर सकता था और यही जो स्टैलियन का बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो है, इसी के कारण आज 70,000 से ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स इंडियन आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिर्फ ट्रक्स ही नहीं बल्कि ऑल ओवर व्हीकल्स ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गाड़ी है आर्मी के अंदर, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर जिप्सी की भी 35,000 यूनिट्स ही हैं और इनका नंबर डबल है उनसे। खैर अब अगर हम इस कैटेगरी के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ट्रक्स को देखें तो पाकिस्तान की आर्मी के पास M35 सीरीज़ के ट्रक हैं जो 6x6 कन्फिगरेशन में आते हैं और इन ट्रक्स का खुद का वजन 5.8 टन है लेकिन ये सिर्फ 2.5 टन का पेलोड ही कैरी कर सकते हैं। साउथ कोरियन आर्मी के पास यूएसए मेड M939 ट्रक है जो कि एक 6x6 कन्फिगरेशन वाला ट्रक है, इसका वजन 10 टन है लेकिन ये ट्रक सिर्फ 5 टन तक का ही लोड कैरी कर सकते हैं। और इसी तरीके से चाइनीज आर्मी की बात करें तो उनके पास URAL 4320 ट्रक है जो कि एक सोवियत यूनियन मेड ट्रक है, इस ट्रक का वजन भी 9 टन है और ये अपने वजन से कम यानी कि 6 टन को ही कैरी कर सकता है। हाँ ऐसा नहीं है कि इन देशों के पास और ट्रक्स नहीं हैं, लेकिन ये ट्रक्स इन देशों के अंदर भारी मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जितना हमें पता लग पाया है और ये कई दशकों से इनको यूज़ कर रहे हैं जैसा कि हम अपने स्टैलियन को यूज़ करते आ रहे हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात भी करें तो पाकिस्तानी M35 की स्पीड है 93 km/h की, चाइनीज URAL की है 82 और कोरियन M939 की है 89 km/h की, लेकिन हमारे स्टैलियन ट्रक की स्पीड है 100 km/h की। और यही जो बेहतरीन पावर टू वेट रेशियो है इस ट्रक के इंजन का, यही कारण है कि इंडियन आर्मी के ट्रक्स डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स पर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक तो हमने सिर्फ स्टैलियन 4x4 की बात ही करी है, लेकिन हमारी आर्मी के पास स्टैलियन के बड़े भाई भी हैं जो कि इससे भी ज्यादा बैडएस हैं। जब स्टैलियन ट्रक्स सक्सेसफुल हो रहे थे तो अशोक लेलैंड ने सुपर स्टैलियन 6x6 को लॉन्च किया जो कि 10 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता था। और फिर 2012 में डिफेंस एक्सपो के अंदर सुपर स्टैलियन 8x8 को लॉन्च करा गया जो कि 12 टन तक का वजन उठा सकता था। और फिर 2014 के डिफेंस एक्सपो के अंदर सुपर स्टैलियन 10x10 को लॉन्च किया गया और आज भारत के पास सुपर स्टैलियन 12x12 भी है जो कि इंडियन आर्मी की अग्नि 2 जैसी मिसाइल्स को कैरी करने के काम में लिया जाता है। अशोक लेलैंड ने अपने 6x6 प्लेटफॉर्म के ऊपर फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर भी बनाया है जिसके पीछे आप आर्टिलरी को बांध कर खींच सकते हैं पहाड़ों पर या रेगिस्तान में। इसके अलावा स्टैलियन 4x4 की आर्मरिंग करके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी बनाए गए हैं ताकि कश्मीर जैसे टेररिस्ट प्रोन एरियाज के अंदर ट्रूप्स को सिक्योरली मूव किया जा सके। और अगर हम इसके हर कैटेगरी को देखें तो 4x4 और 6x6 को मिलाकर ये ट्रक हर एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिल जाता है, जैसे कि ट्रूप कैरियर, आर्मर्ड कैब, ट्रूप कैरियर विद क्रेन, फ्यूल बाउजर, वाटर बाउजर, रिकवरी व्हीकल, ISO कंटेनर और फायर फाइटर ट्रक भी, और यहाँ तक कि टिपर ट्रक भी मिल जाते हैं इन 4x4 और 6x6 वेरिएंट के अंदर, जो कि आर्मी को किसी भी ऊंचाई पर जाकर काम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसी वजह से इस वर्सेटाइल अशोक लेलैंड के ट्रक ने इंडियन आर्मी के अंदर अपनी डोमिनेंस हासिल कर रखी है और यही वो रीज़न है कि 2.5 टन से लेकर 30 टन तक हर पेलोड क्लास के अंदर आर्मी के पास अशोक लेलैंड के व्हीकल्स अवेलेबल हैं। अब ये तो रही इंडियन आर्मी की बातें, लेकिन स्टैलियन सिर्फ इंडियन आर्मी के पास ही नहीं है, हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अशोक लेलैंड ने स्टैलियन के 4x4 के एक्सपोर्ट वेरिएंट्स को भी लॉन्च करा है जो कि ऑस्ट्रियन स्टाइलर डीजल इंजन और चेक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं जिनको पेनहार्ट TC54 नाम से बुलाया जाता है। इसको सऊदी अरेबिया में सऊदी चाइनीज 155mm टोड आर्टिलरी प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। इसके 50 यूनिट्स सऊदी अरेबिया के पास है, 80 यूनिट्स टोगो नाम के देश के पास है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है एक। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने थाईलैंड को भी सुपर स्टैलियन 6x6 एक्सपोर्ट किए हैं और जिम्बाब्वे की आर्मी के पास भी 633 सुपर स्टैलियन ट्रक्स हैं 6x6 वाले।
और इतना ही नहीं, यूक्रेनियन आर्मी भी स्टालिन ट्रक्स को यूज कर रही है रशिया के अगेंस्ट। और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने ये यूक्रेन को नहीं दिए हैं, बल्कि पेट्रो पोरोशेंको नाम की यूक्रेनियन बिजनेसमैन ने इसको अशोक लेलैंड से खरीद कर अपनी आर्मी को दिया है, ताकि ये ट्रक्स रशियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई करने में काम आ सके। खैर, इतना सब कुछ सुनने के बाद हमें ये चीज तो समझ में आती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को स्टालिन जैसे भरोसेमंद साथी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हमें और भी स्टालिन जैसे स्वदेशी ट्रक्स और दूसरे व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जो हमारे फोर्सेस का साथ लगातार निभाते रहेंगे। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपने इंडियन आर्मी का कौन सा रेयर व्हीकल देखा है अपनी आंखों से। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।